ओके नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए बैठिए। आज इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। आपका नाम क्या है, आप कहां से कॉल कर रहे हैं? सीएम साहब को मेरा नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम विपिन है सर, गुंटूर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। इलेक्शन के वक्त आप हमारे यहाँ आए थे, इस बात को आज 2.5 महीने हो चुके हैं, तब से आपने हमारी खबर तक नहीं ली। अच्छा आपके गाँव में बिजली आ गई है? हाँ सर। पानी की कोई समस्या है? नहीं सर। नए रास्ते बनाए गए? हाँ सर। आपके यहाँ पुराने पोस्ट ऑफिस के पास एक बड़ा गड्ढा हुआ करता था, उसे भर दिया गया है ना? हाँ भर दिया गया सर। पहले आपके गांव में हर 1 घंटे में एक बस आती थी, अब 15 मिनट में एक बस आती है। आती है या नहीं? आती है सर। अब जब सब समस्याएं दूर हो गई हैं, तो मैं वहाँ आकर करूँ क्या? 2.5 साल बाद वोट मांगने जरूर आ जाऊंगा। सर हम तो बिना मांगे आपको ही वोट देंगे। धन्यवाद। सर आपको उस छोटे से गाँव का पोस्ट ऑफिस इतनी अच्छी तरह कैसे याद है? मैं पूरे राज्य का दौरा कर चुका हूँ, मुझे पता नहीं होगा तो किसे होगा। नेक्स्ट। यूं ही चलता रहा तो अगली बार भी सीएम यही बनेगा। ये तो अपने अपने नजरिए की बात है, मेरा मानना है कि देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी कोई चक्कर चलाकर फिर से सीएम बन जाइए ना। इसका चेहरा तो देख, इसकी ये मुस्कुराहट देख के जान जलने लगती है। मीडिया के सामने हम सब के चेहरे भी ऐसे ही होते हैं, जल्दी कुछ कीजिए ना, इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कल से ये मुस्कुराना भूल जाएगा, तो जात वालों के बीच फूट डाल दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, काम पर लग जाओ। कौन सी जाति सपोर्ट करती है इसे? जीजा जी, हमारे देश में इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतनी फरका परस्ती है कि उन्हें लड़वा कर हम आराम से अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। अगर ये आपस में मिलजुल कर रहने लगे तो हमारी सियासत का क्या होगा? हमें तो देश को बांटना है ना। हॉस्टल वाले लौंडों को फोन करो। ठीक है, अभी करता हूँ। कुछ लोग हमारे हॉस्टल के ग्रुप को मार रहे हैं, जल्दी आओ। ए मामा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भांजे। क्या हुआ? अरे भांजे आए दिन हॉस्टल के ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं, अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? था? वो लोग हमारे ग्रुप को मार रहे थे। उन्हें किसने मारा था? पता नहीं। उन्हें मारने की वजह क्या थी? मालूम नहीं। जब मालूम नहीं तो बिना वजह लड़ क्यों रहे थे? कौन है बे तू? किस हॉस्टल का है? तू किस हॉस्टल का है और यहाँ क्या कर रहा है? हॉस्टल में क्यों आया? बोल। वैसे आप कौन हो? रोज तुम्हारा टीवी देखने वाला एक आम आदमी। इन्हें तुमने क्यों मारा? थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मार दिया। कौन सा डाउट? डाउट यह है कि सरकार ने इस जाति को हॉस्टल दिया रहने के लिए, और उसी सरकार ने इस जाति के लिए भी इसी हॉस्टल को रिजर्व कर दिया। सरकार इन दोनों पर खर्चा कर रही है, वही सरकार जो सब जात के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाती है, तो फिर दो अलग अलग हॉस्टल क्यों चला रही है? यह हॉस्टल इनके लड़ाई झगड़े की वजह बन गया है। समाज को बांटने की आज के नेताओं की यह सोच मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती।
लेकिन इनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सब सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा मैं इन दोनों हॉस्टल में जमा रहूंगा। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चलो मेरा डाउट क्लियर करो। तुम क्लियर करोगे? कौन मेरे सवाल का जवाब देगा? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोगे? देना दे? क्या तुम दोगे? ये कौन है जीजा जी? हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। इस आदमी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। कौन है ये? कौन है ये? इसकी बात में तो बहुत दम है। पता नहीं कौन है लेकिन बंदे में दम है यार। वाओ, इस बंदे में कुछ बात तो जरूर है। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अच्छा, थोड़ा सा पागल भी लग रहा है। रात के 12 बजे इसका डाउट कौन क्लियर करने आएगा? ऐसे सवाल पूछ रहा है जिन्हें पूछने की किसी में हिम्मत नहीं। रहने दीजिए सर, आप मुझे भूल गए। मुझसे जिद्दी नहीं हो सकता। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोगे? इससे फेस टू फेस होना पड़ेगा। इससे मिलना चाहती हो तो जाओ मिल लो। सुनो, कल रात एक बंदे ने हंगामा खड़ा कर दिया था। मैंने सुना है वो यहाँ मैकेनिक का काम करता है। उसका नाम क्या है? राम बाबू। कहाँ है वो? अंदर था, बाहर गया है। मुझे उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताओ। तुम कौन हो? मीडिया। कल रात जो भी हुआ उसका राम बाबू से क्या लेना देना है? ना लेना है ना देना है। तो फिर वो तो फिल्मी क्यों हो गया था? वो ऐसा ही है। मुझे डिटेल में बताओ ना। डिटेल ये है कि नाइंसाफी उसे बर्दाश्त नहीं होती। दांत घसते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ लेता है और अगर उसमें कोई नाइंसाफी छपी हो जैसे कि उस बेटे ने माँ को अपने घर से निकाल दिया था तो वो वहाँ इंसाफ करने पहुँचा। उसकी बराबर मरम्मत की। आप तुम इस संडे की ही बात ले लो। आराम से घर पे बैठ के खाना खा रहा था, टीवी पे एक साधु स्कैम की न्यूज आई तो वो वहाँ स्वयं अपनी बेल्ट लेकर उन्हें दक्षिणा देने पहुँच गया। बस्ती में जाली दवाओं की दुकान के बारे में सुना तो वहाँ पहुँच गया। पेंशन नहीं मिल रहा है ये सुना तो इंसाफ दिलाने वहाँ पहुँच।